वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं हूं अपने एक दोस्त के पास राजस्थान में, और आज हम लोग जा रहे हैं माउंट आबू घूमने। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, वहां पे काफ़ी ब्यूटीफुल सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह है माउंट आबू। तो बस गए, आप बने रहे मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बाइक से जर्नी करने वाले हैं और बाइक से माउंट आबू घूमेंगे पूरा, और उसके बाद फिर निकल जाएंगे हम अपने घर के लिए। तो भाई इधर पे आप देख सकते हैं कितना मस्त वाला व्यू मिल रहा है देखने के लिए। अभी से ही वो माउंट आबू पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गया है। हालांकि अभी इधर से हम लोग जा रहे हैं, देखिए रास्ते कितने मस्त हैं जाने के लिए। और आगे आने पे इधर पे थोड़ा बारिश टाइप का भी दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा कुहासा टाइप का दिखाई दे रहा है, बट ये एक्चुअली सिर्फ फॉग ही है, बारिश नहीं है इधर अभी। आगे देखते हैं किस तरह का सीन रहता है। तो भाई क्या खूबसूरत सीन देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि माउंट आबू भारत के राजस्थान राज्य के सिरोही ज़िले में स्थित है, और यह अरावली पहाड़ियों में स्थित एक हिल स्टेशन भी है, जो कि 22 किलोमीटर लंबे और 9 किलोमीटर चौड़े पथरीले पठार पर बसा हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो कि गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और यह राज्य के अन्य हिस्सों की तरह गर्म नहीं है। तो भाई इधर अब थोड़ा सा आगे आने के बाद देखिए यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, अब हल्की हल्की बारिश यहाँ पे पड़ रही है। दिस ब्यूटिफुल व्यू गाइज, क्या जबरदस्त ये व्यू देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, क्या खूबसूरती है भाई। माउंट आबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है, और यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान माउंट आबू मैदानी इलाकों की गर्मियों से बचने के लिए अंग्रेजों का पसंदीदा स्थान था। भाई सच में क्या मज़ेदार जगह है ना, एकदम ब्यूटीफुल सीन आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, और ये फॉग, वाह। तो यहाँ पे पहाड़ के बीचों बीच ये दो खूबसूरत संगमरमर के बने टेम्पल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जैन मंदिर है। तो भाई यदि आप माउंट आबू घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सितंबर से लेकर मार्च के बीच में ट्रैवलिंग प्लान बनाना चाहिए। तो भाई सच में एक बात बोलूं, इतना खूबसूरत दृश्य देखने के बाद मन तो कर रहा है कि भाई यहीं पे रुक जाऊं, माउंट आबू में ही रुक जाऊं, और यहाँ से तो फिर जाने का मन भी नहीं हो रहा। इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल पहाड़ है भाई, सच में मैं मतलब देख के ही दंग रह गया भाई, इतनी खूबसूरत है ये। ये आप कैमरा में देख रहे हैं, रियल में देखेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए, और यदि अभी तक भाई आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, उन सब में वीडियो को एकदम धड़ल्ले से शेयर कर दीजिए भाई।